गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के वो क्वेश्चन जो 2019 और 2020 जेई मेन में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखिए कैसे शुरू करें। यहीं देखते हैं, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, एक्स डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और dx। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस विद x, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू 2x dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब और dx, करेक्ट। अब अगर आप इसको बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सो दैट इज एक्स क्यूब डी एक्स। नाउ इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो बच्चों, तो इधर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई, सामने की तरफ मिलेगा एक्स पावर 4/4 और प्लस सी। To find the value of c, it is given that y1 is equal to 1. That means when x is equal to 1, y is also equal to 1. So let me put x equal to 1, y equal to 1 here. We got 1 is equals to 1/4 plus c. So this value gives c equal to 3/4. So now I can write x square y is equal to x power 4/4 plus 3/4. Right? Now what we have to find, y of half, that means we have to find the value of y when the value of x is half. So let me put x equal to half here. So we got y divided by 4 is equal to, let me take 1/4 common from here, then x to the power 4 will become 1/16 plus 3, 4 cancel out ho jayega 4 se. और ये कितना हो गया 49/16। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 49/16। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, ओके कि कौन सा एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कर्व को देखेंगे। अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल टू x मॉड x प्लस 1, तो ये कौन सा कर्व होगा, ये जानने के लिए हम मॉड हटा देते हैं। और यानी देखो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ बच्चों, इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1। इफ x इज लेस देन 0, इट विल बिकम 1-x2। सो कैन यू ड्रॉ दिस कर्व, डेफिनेटली इट लुक लाइक दिस। हियर इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1, बट ऑन दिस साइड दिस इज y equal to 1-x2, the same curve with downside here as this point will be -1,0, okay, this is the equation y is equals to 1-x2, this point is 0,1, so this is y equal to x mod x plus 1, but we want y should be less than or equal to this, so y is less than to this if the point lies below this curve. तो इसके नीचे कोई भी point लोगे तो वो इसको satisfy करेगा। Y should be greater than 0. That means इसके ऊपर भी होना चाहिए वो point, ताकि उसका y coordinate positive हो। And the value of x is lying between -1 and 1. This is x equal to -1 and let this is x equal to 1. So basically we have to find this area. We have to find this total area. So if you want then you can integrate. और देखिए बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये 1 है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन ऐसे कर लेता हूँ, है ना। अभी अभी हम देखे थे ये जो कर्व है, ये यही कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही इधर फोल्ड होकर ऐसे आ गया है। तो आपको नहीं लगता बच्चों कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है। तो सोच के देखो ऐसे, अगर इस पोर्शन को उठा के मैं यहाँ लगा दूँ तो ये जो टोटल एरिया है ये बराबर होना चाहिए इस एरिया के। और ये बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, रेक्टेंगल है जिसका विड्थ है 2, हाइट है 1, तो इसका एरिया हो गया 2 into 1, सो द राइट आंसर मस्ट बी 2।
तो देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट इट बाय ऑब्जर्वेशन, यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, such that f of xy is equals to fx into fy. I hope you all know this property. Which functions satisfy this property? This property is satisfied by only one function, that is fx equal to x power n. Okay? Where n can be any number. Now, it is given that f of 0 must not be equal to 0. F of 0 must not be equal to 0. इन दोनों बातों को अगर आप कंबाइंड कर लेते हैं, देन यू गॉट एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1. ओके, सो एफ एक्स बेसिकली 1 है. अब यहां आ जाइए, अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज 1. सो फ्रॉम हियर यू गॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इफ यू इंटीग्रेट दिस. करेक्ट, वाई 0 इज इक्वल टू 1. It is given that y0 is 1. इसका मतलब c का वैल्यू 1 हो गया. तो y का वैल्यू कितना हो गया, x plus 1. Now you have to find the value of y 1 by 4 plus y 3 by 4. देखिए इसमें x का वैल्यू 1 by 4 डालोगे तो you got 1 by 4 plus 1. 3 by 4 डालोगे you got 3 by 4 plus 1. दोनों ऐड करो इसको, 1 और 1 2 और ये मिला के भी 1 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 3. So the right answer of this question is 3. Question number 4. The area enclosed between the curves. Dekhiye, y barabar kx square. If k is positive, then y is equal to kx square. It look like this. Y is equal to kx square. Right? And x is equal to ky square. It look like this. This is x is equal to ky square. So basically, we have to find this area. Okay, this point is obviously 0 0. So first of all we will try to find this point, ki ye point kitna hai aur usse baat ban jayegi. Aaiye dekhiye ye point kitna hai ye pata laga lete hain hum, aur kaise pata laga lenge bhai, aaiye dekhte hain. Simplify these two equations simultaneously. वहाँ से y की value निकाल के यहाँ डाल दो. So you got x is equal to k and y square. That means k square x to the power 4. So if you simplify this, you got x equal to 1 by k. So this is the point 1 by k. When x is 1 by k, y is also 1 by k. 1 by k comma 1 by k. So the required area is integrate from 0 to 1 by k. किसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम अपर कर्व माइनस वैल्यू ऑफ y फ्रॉम लोअर कर्व. अपर कर्व से y का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट x बाई के. माइनस लोअर कर्व से y का वैल्यू क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर. सो दिस एरिया इज गिवन एज, कितना गिवन अपने को, 1 स्क्वायर यूनिट. This is 1. Then find the value of k. ये question है. So अब आगे इसमें कुछ बचा नहीं है, है ना. इसको easily हम integrate कर लेंगे और k का value calculate कर लेंगे. आइए देखिए, 1 by root k को तो हम side में कर देते हैं. ये root x हो गया. Root x का integration हो जाएगा x power 3 by 2 और यहाँ आएगा 3 by 2. That means you can write 2 by 3 here. Okay? माइनस के एंड दिस विल बिकम एक्स क्यूब बाई 3. नाउ वी कैन टेक 3 एज कॉमन. लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 बाई के गिवन एज 1. सो इफ यू पुट 1 बाई के हियर देन व्हाट इट विल बिकम, दिस इज 1 बाई के. दैट मीन्स इट विल बिकम 1 अपॉन के पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये बनेगा 2 बाई 3 के स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 k square is equal to 1. So that is 1 by 3 k square is equal to 1. K square is equal to 1 by 3. So k is equal to 1 by root 3. So is there any option 1 by root 3? Yeah. Okay. So chaliye next question pe chalte hain. Question number 5. Okay.
कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बट थोड़ा ढंग से देखो आसान दिखेगा. कैसे? dy बाई डी एक्स प्लस इस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, sec स्क्वायर x बन जाएगा. ये भी sec स्क्वायर x बन गया, दोनों को एक तरफ ले लो, कॉमन आ गया sec स्क्वायर x. अंदर बच गया बच्चों 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप इज इस 3y माइनस 1 से डिवाइड करो और dx से मल्टीप्लाई करो. इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन. क्या है ये? वेरिएबल सेपरेशन टेक्निक. मैंने x वाले सारे वेरिएबल dx के साथ में ले लिए, x वाले सारे टर्म, y वाले सारे टर्म dy के साथ में ले लिए. नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट. सो इफ आई इंटीग्रेट दिस देन व्हाट विल बी गेट? आइए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म विल बिकम 1/3 log ऑफ mod 3y माइनस 1. यू कैन राइट द सिंपल ब्रैकेट आल्सो, प्लस इट विल बिकम 10x और सामने आ जाएगा c. ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c इट इज गिवन दैट व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 4 y इज इक्वल टू 4/3. सो लेट मी पुट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड y इज इक्वल टू 4/3. So if I put this, then I got 1/3 log of, this will become 4/3. That means 4 minus 1, 3. Log of 3 plus 1 is equal to c. Okay? So now we can write 1/3 log of 3y minus 1 plus 10x is equal to 1/3 log 3 plus 1. To find this value, let me put x equal to minus pi by 4 here. So if you put x equal to minus pi by 4, you got 1/3 log of 3y minus 1 plus, sorry, this will become minus 1 is equal to 1/3 log 3 plus 1. Isko idhar le aaiye, 3 se multiply kar dijiye. You can write log of 3y minus 1 as log 3 plus 6. Okay, so now remove log from here. You can take this term on this side and we can write it like this. Now remove log. So we got y minus 1/3 is equal to e to the power 6. So y will become 1/3 plus e to the power 6 here. Raji, first answer apna sahi hai. Next question pe aajao jaldi se. Question number 6 dekho kya hai. आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए. द कर्व अमंग द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन विच पासेस थ्रू वन वन. ओके, यहां से पास होने वाला कर्व निकाला. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. देखो कैसे करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज करता हूँ कौन सा मेथड? सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन. ध्यान से देखिए और ऐसा पैटर्न में अरेंज करने की कोशिश कीजिए कि देख के ही पता लग जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा. राइट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पैटर्न में इसको जमा लेते हैं हम. तो देखिए, मुझे कुछ ऐसा गिवन है x स्क्वायर dx माइनस y स्क्वायर dx और प्लस 2xy और dy. तो देखो यहीं से हिंट मिल जाता. देखो 2y dy ये क्या है बच्चा? y स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना. तो इस टर्म को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, समझिएगा ध्यान से. इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं कुछ. यहां पर टर्म को जमा रहा हूं पहले x इंटू 2y और dy, करेक्ट. फिर माइनस y स्क्वायर एज इट इज एंड dx और प्लस ये जो x स्क्वायर dx है ये वाली टर्म यहाँ लिख रहा हूँ. और मैंने क्या किया, कंप्लीट इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ऐसे. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देन इट इज dx प्लस दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन x, करेक्ट. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. तो बस ये हो गया x, यहां हो गया y स्क्वायर बाई x, सामने हो गया c. सो हेंस यू गॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स. इफ यू टेक x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, इट इज गिवन दैट कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, सो इट विल बिकम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c, सो c विल बी 2. सो फाइनली यू गॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 1, 0.
So which option is correct? Third, it represent a circle with center on x-axis. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन. ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. डायग्राम वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बना देता हूँ ना. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, ये है एक पैराबोला अपने पास ऐसे, ठीक है. एक्स स्क्वायर बाई 4, सॉरी. दूसरा लाइन है ये, राइट. तो ये जो लाइन है देखो, ये किस तरह से होगी. स्लोप देख सकते हैं आप, इस लाइन का पॉजिटिव स्लोप है, राइट. और ये एक्स एक्सिस को काटेगी कहाँ पे, -2 पे. कुछ इस तरह से लाइन होगी. तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है. तो जाहिर सी बात है, ये दो पॉइंट आपको पता करने पड़ेंगे. और ये पॉइंट कैसे पता लगेंगे, हम एक्स और वाई के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो वी कैन राइट x इक्वल टू 4y, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू हो गया, एक तो -1 हो गया और एक 2 हो गया. तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे -1 है x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है. और एरिया जो है आपका वो हो गया फ्रॉम -1 से 2. अपर कर्व से y का वैल्यू निकालो, दैट इज x प्लस 2/4 माइनस लोअर कर्व से y का वैल्यू निकाल लो. दोनों जगह से 1/4 कॉमन आ जाएगा. इंटीग्रेशन होगा देखो x का, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का करोगे 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 विद लिमिट -1 to 2. सो इफ आई अप्लाई दिस लिमिट, व्हाट विल वी गेट हियर? यू गॉट 4 माइनस 1 यानी 3/2 प्लस 2 टाइम x के साथ आएगा दिस माइनस माइनस 1 यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 माइनस 1/3 और ये हो गया 27 माइनस माइनस 1 यानी 28/3. ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई दिस टू फाइंड आउट द आंसर और देखते हैं क्या आता है. इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है. सो दिस इज 1/4, एलसीएम अगर आप लेंगे इनका 6 हो जाना है, राइट. ये 3 है ना यहाँ पे, हाँ. और देखिए क्या मिलेगा, 6 एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 9 प्लस 36 माइनस 56. और अरे नेगेटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए था, क्योंकि जैसा हम डायग्राम देख पा रहे हैं सब कुछ ऊपर है. तो आई होप कि मुझसे कोई गलती तो ना हुई हो, बट फिर भी चेक कर लेते हैं. अपर कर्व लाइन ही थी, y इज इक्वल टू x प्लस 2/4, ओके. और यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 4 मैंने कॉमन ले ली, x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और 1/2 अपनी लिमिट है बच्चों. यहाँ पुट करेंगे देखो, 4 माइनस 1 दैट इज 3/2, 2 टाइम 3 6 और माइनस के, ओके यहाँ गड़बड़ हो गई ना, यहाँ मैंने 3 यूज कर लिया, 27 बोल गया. कितना हो जाएगा ये, 8 और प्लस 1 9 आएगा भाई यहाँ पे. तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, 9 बोला मैंने तो ये 3 हो गया. तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है. तो ये कैंसिल 3 हो गया और कुल मिला के ये हो गया 9/8. ओके, सो अपना आंसर सही है फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, आइए देखिए कैसे करें. ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सिंपल सी टेक्निक है. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, और वो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो कॉफिशियंट है y का, इसका इंटीग्रेशन. इसको ढंग से देखो, ऐसे लिख सकते हैं. तो बच्चों ये हो गया e टू द पावर 2x प्लस log x, सो दैट कैन बी रिटन x e की पावर 2x. और इसके सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू एक्स ई की पावर 2x इज इक्वल टू c प्लस दिस टर्म
multiply with this e power minus 2x dx. ये cancel out हो गया. और देखिए आपको मिला y x e to the power 2x is equal to c plus x square by 2. To find out the value of c, it is given that y1 is equal to half e power minus 2. तो इसको use करते हैं हम लोग. देखिए इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू होना चाहिए e पावर माइनस 2 बाई 2. तो पुट कर दो इसमें, तो यू गॉट e पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू e की पावर 2 इज इक्वल टू c प्लस हाफ. ये कैंसिल आउट हुए, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, c का वैल्यू 0 आ गया. वापस इधर आ जाओ, y का वैल्यू हो गया, इसको 0 पुट कर दो अगर मैं, तो y का वैल्यू हो गया 1 बाय x बाय 2 e की पावर 2x. अब हमें पता क्या करना है, पहले तो ये दोनों ऑप्शन देखता हूँ इनमें से कौन सा सही है. y की वैल्यू पता करनी है जब x का वैल्यू log 2 हो. तो अगर मैं x का वैल्यू log 2 डाल दूँ तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा log 2 डिवाइडेड बाय 2 e की पावर 2 log 2. 2 log 2 का मतलब log 4, यानी कि 4 यानी कि 1 बाई 8 log 2. तो आप पाएंगे कि 1 बाई 8 log 2 ना तो ये आ रहा है ना ये आ रहा है, दोनों ही गलत है. इनमें से मुझे चेक करना पड़ेगा और उसके लिए dy by dx निकालना पड़ेगा. dy by dx देखो क्या होगा, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x e की पावर माइनस 2x बाई 2. हाफ को बाहर रख देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 e पावर माइनस 2x एज इट इज, फिर x एज इट इज e पावर माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2 e पावर माइनस 2x. सो फाइनली इट कैन बी रिटर्न e पावर माइनस 2x इंटू हाफ माइनस x. सो इफ यू टेक x ग्रेटर देन हाफ, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में देख रहा हूँ मैं, हाफ से वन के बीच में, हाफ से वन के बीच में लोगे तो ये नेगेटिव आएगा. इसके नेगेटिव आने का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, तो बिल्कुल अपना सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्स. देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ऐसा है कुछ, ये पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये अगर इस पर एक पॉइंट है 2.5, सो लेट दिस इज द पॉइंट 2.5. इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट है ऐसे एक, तो टेंजेंट इस कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड एरिया आपको निकालना है. ओके पहले मैं टेंजेंट निकालना चाहूँगा ताकि हम इसका डायग्राम के थोड़ा और ढंग से देख सके कि इसको यहाँ काट रही है या पता लगे यहाँ कट कर रही है, तो उस सब के लिए टेंजेंट निकालनी पड़ेगी. तो कैसे निकालेंगे हम, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, पहले निकालो dy by dx, यहाँ से कितना है भाई 2x और इस पॉइंट पे कितना हो गया 4, तो 4 स्लोप होना चाहिए, तो 4 स्लोप होना चाहिए, तो 4x माइनस y ऐसे हो गई. और ये कहाँ से पास होती है, 2.5 से. 2.5 अगर आप यहाँ डालोगे तो सामने लिख दो 3, ये टेंजेंट हो गई. ठीक है, अब ये x एक्सिस को कहाँ काटती है, सॉरी y एक्सिस को कहाँ काटती है. इफ़ यू पुट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू माइनस 3, देखो डायग्राम गलत हो गया है ना ये, कोई बात नहीं वो रफ डायग्राम था. अब एक्चुअली हमें सीन समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा है, यो है और यहाँ पे टेंजेंट है 2.5 पे और वो लाइन जो है वो यूं जाती है, ऐसे कट करती है. ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 और ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है बच्चों. ओके तो देखिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है अपना, y का वैल्यू 0 पुट करो इसमें, x का वैल्यू आएगा 3/4 से 0. तो चलिए अब ये एरिया देखो कैसे निकालेंगे. देखिए ये एरिया निकालना है, सिंपल सा फंडा होता है, अपर करो माइनस लोअर करो. इंटीग्रेशन कहां से शुरू करना है, यहां से, ये लाइन है x बराबर 0. तो देखिए अपर करूँ तो शुरू से लेके यहाँ 2 तक एक ही है, यानी कि एरिया बराबर हो गया 0 से 2 तक. किसका इंटीग्रेशन करना है, ये अपर करूँ का जो कि था x स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स माइनस लोअर करूँ. अब लोअर करूँ के दो पार्ट हैं, देखिए 0 से लेके 3/4 तक लोअर करूँ ये है, क्या है ये y बराबर 0, तो 0 का इंटीग्रेशन होगा 3/4 तक, 0 से लेके 3/4 तक, नीड नहीं है, जीरो ही हो जाएगा वो. प्लस उसके बाद होगा इसका, और ये क्या है वाई बराबर 4x माइनस 3 है 3/4 से लेके और 2 तक साथ में dx. चलिए जी इधर आ जाइए जल्दी से, ये हो गया x क्यूब बाई 3
और x क्यूब बाय 3, तो लिमिट पुट करोगे तो आएगा 8/3, 1 का हो जाएगा x, लिमिट डालोगे 2, माइनस ये टर्म तो जीरो है ही, यहाँ आ जाइए, ये कितना हो गया x 2x² - 3x, इस तरह से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट डाल देते हैं, देखो 2 टाइम x स्क्वायर करोगे ना तो हो गया 4 - 9/16, और माइनस 3 टाइम 2 - 3/4, ये बन गया। कैलकुलेट करके देखते हैं जल्दी से कितना हो गया, 16 × 4 हो गया 64, 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो 64 में से 9 से 55 by 8 माइनस, यहाँ जाइए ये हो गया 8 - 3 = 5, यानी 15/4, माइनस के 15/4। थोड़ा और अगर कैलकुलेट करें बच्चों, देखो 8/3 + 2 है ना, ये 3 × 6 = 6 और 8 कितने हो गए 14/3, माइनस इधर इसको देखते हैं 8 एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो ये हो गया यहाँ पे 30, 55 - 30 हो गया 55 - 30 = 25, ओके। और अब एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो गया 24, तो इससे मुझे लग रहा है कि या तो ये आंसर सही है या वो वाला सही है, तो 3 × 32 - 75, तो कितना हो गया देखो 32 - 75, यार यहाँ फिर वही गलती है, कुछ गड़बड़ हुई, अच्छा सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, ये 14 है भाई, मैं इसको क्या समझ लिया 4, खुद ने लिखा था 14, खुद ही 4 समझ लिया, तो खैर इसमें 80 और ऐड हो जाएंगे तो 112 हो जाएगा, तो 112 - 75, तो बच्चों आंसर सही हो गया अपना, रुको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 37/24 आ गया ये, दैट इज 37/24। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ओके देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम बदल सकते हैं वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में बाय यूजिंग दैट x - y = v। अगर आप x - y को v पुट कर देते हो बच्चों, उसको डिफरेंशिएट करें तो 1 - dy/dx का वैल्यू आया dv/dx, तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये इक्वेशन मुझे ऐसे दिखाई देगी कुछ, 1 - कुछ ऐसा नजर आएगा हमें, 1 - dv/dx = v². ओके नाउ वी कैन इजीली सेपरेट द वेरिएबल, इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले आओ, तो 1 - v² = dv/dx, राइट। नाउ वी कैन राइट dv/1 - v² = dx, नाउ इफ वी इंटीग्रेट दिस देन वी गॉट 1/2 log (mod 1 - v)/1+v बराबर x + c, ओके। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v, सो यू गॉट 1/2 log (1 - v)(x - y), सो यू गॉट -x + y डिवाइडेड बाय 1+x - y = x + c, और इस 2 को इधर ले आओ तो 2x + 2c बोल दो चाहे c बोल दो, एक ही बात है, ये पैटर्न आ गया। अब यहाँ देखिए y1 पे x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, तो वो अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ x और y को 1, तो log 1 ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो गया, तो c का वैल्यू -2 आया, तो यहाँ पे हो गया बच्चों -2, ये फाइनल आंसर है अपना, नोट करो कौन सा ऑप्शन सही है, 1, और देखो सामने होना चाहिए 2 times x - 1 और भाई 2 times x - 1 कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, इसी ऑप्शन में है ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें 2 times x - 1 आ रहा है, राइट ओके। यहाँ एक भाई छोटा सा मिस्टेक मुझसे हो गया, यहाँ प्लस ऊपर आएगा भाई माइनस नीचे आएगा, तो ये ऐसे होगा, उसको मैनेज करने के लिए मैंने उल्टा लिखा हुआ है तो एक माइनस बाहर लग जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, लेट y = yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख लो dy/dx + y/xd = log(x), ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें आई एफ, तो वो आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स विच इज e पावर लॉग एक्स फाइनली वॉट एक्स। तो इससे अब आपको इसके सॉल्यूशन मिल गए, वो होंगे y इंटू एक्स इज इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सामने क्या है लॉग एक्स और डी एक्स। एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो देखो क्या आएगा, ये हो गया c प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ऐसे करेंगे तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे वन बाई एक्स कैंसिल होगे एक्स बाई टू बचा और एक्स बाई टू का वापस से इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये हो गया। सो वाई का वैल्यू हम लिख सकते हैं सी बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स सॉरी एक्स लॉग एक्स, एक्स से डिवाइड भी तो किया माइनस एक्स बाई फोर, ये है। अब करना क्या है, मुझे कुछ गिवन है, यहां से मैं सी निकालूंगा। देखो कैसे निकालूंगा कि जब एक्स का वैल्यू टू तो वाई का वैल्यू लॉग फोर माइनस वन बाई टू, तो अपन लिख देते हैं ऐसे लॉग फोर माइनस वन बाई टू, ये वाई का वैल्यू हो गया। कब है ये, जब एक्स का वैल्यू कितना है टू, तो इसमें टू डालते हैं इधर तो आपको मिला देखो सी बाई टू प्लस 2 log 2 can be written log 4 by 2 minus 1 by 4 नहीं 1 by 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे कैंसिल आउट होगा। अब देखो ये ऐसे कैसे कट गए बच्चों, c का वैल्यू 0 है तो c का वैल्यू 0 होने का मतलब ये टर्म तो गई, अब तो ये बच गया y e निकालना है, पुट कर दो उसमें x का वैल्यू e तो आपको मिलेगा y बराबर, जब x का वैल्यू e होगा तो e by 2 log e 1 हो जाता है माइनस ई बाई फोर माइनस ई बाई टू, तो वेर इज माइनस ई बाई टू, ये रहा। तो सेकेंड आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 11 में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड द लाइन बिटवीन दिस एंड दिस, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसा हो गया दिस पॉइंट इज 0,2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन ऐसी हो गई 0,1 से पास होते हुए, ठीक है, और x इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई और x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं आएगी x इक्वल टू 3, दिस इज x इक्वल टू 3, ये एरिया निकालना बड़ा आसान हो गया। ये 0 से 3 में आपको इंटीग्रेशन करना अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डॉट dx, ठीक है, यानी कि ये हो गया बच्चों x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस का x, लिमिट 0 से 3 तो लिमिट डालोगे 3 या 9 ये हो गया 9 माइनस 9 बाई टू प्लस 3, कुल मिला के 9 बाई टू प्लस 3 15 बाई टू, ओके। तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13, इफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इज, देखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका मतलब बच्चों ये dy बाई dx है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई अपॉन एक्स, ओके। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टू वाई और डी एक्स, करेक्ट। इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस टर्म को उधर ले चल के लिखते हैं, देखो ऐसे y इंटू टू एक्स डी एक्स प्लस, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो एक्स स्क्वायर डी वाई, इधर बच गया एक्स क्यूब डी एक्स, पहचाने आप इसको, ये जो लिखा हुआ है ये सारा ये क्या है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई और सामने है एक्स क्यूब डी एक्स, सो इफ यू इंटीग्रेट तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी और फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वाई। देखिए यहां से आपको मिलेगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। अभी करना क्या, उस पर आ जाते हैं, हमें यह भी गिवन है कि ये 1, -2 से पास आउट होता है, इसका मतलब
जब आप x का वैल्यू लोगे 1, तो y का वैल्यू आना चाहिए माइनस टू. तो अगर वो मैं यहाँ पुट कर दूँ, माइनस टू इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी बाई फोर. एक्स का वैल्यू 1 है ना, सी बाई फोर. तो इससे तुम्हें देखो c का वैल्यू कितना मिला, -8 -1 -9 हो गया. ठीक है, तो अब हम इधर आ जाते हैं वापस से. y बराबर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस 9/x². यहाँ मुझसे कुछ गड़बड़ होगी लगता है ना, हमने x का वैल्यू 1 पुट किया था, तो यहाँ c तो बचेगा, यहाँ बचेगा भाई c. तो c का वैल्यू आएगा, ये उधर चला गया, -8 -9/4 आएगा मतलब. ओके, तो -9/4 है ऐसे. अब आप पुट कर दो इसमें, तो ये कर्व कौन से पॉइंट से पास होता है, पॉइंट चेक करने पड़ेंगे आपको. इसमें -1 डाल के देखो, 2 आता है क्या? तो अगर मैं -1 इसमें डाल देता हूँ तो 2 तो नहीं आएगा, नेगेटिव में आ रहा है ना. -√2 डालूँ अगर मैं, तो y का वैल्यू आएगा, देखो ये वाला चेक कर रहा हूँ ना, -√2 पुट करूँगा तो y का वैल्यू आएगा 1/2 -9/8. सही है भाई. और इसको आप लिख सकते हो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/8 -9, माइनस के 5/8 आए, तो गड़बड़ है ये. यहाँ आ जाओ, √3 पुट करने पे 0 आता है, कि चेक कर लेते हैं. √3 अगर आप इसमें डालते हो तो ये बनेगा y का वैल्यू 3/4 माइनस √3 डालो, 3 हो गया 3 बाय. ओके, यही आंसर सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. 14, द एरिया. कौन सा एरिया जो इन कंडीशन को फुलफिल करता है, बस वही निकालना है. तो ये तो बहुत सिंपल कंडीशन है, 0 से 3 0 से 4, मेन चीज़ है ये. वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू, पहले इसके बारे में सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x. एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपवर्ड पैराबोला होगा ऐसे, राइट. दो जगह काटेगा, कौन कौन सी जगह, ये -3 -3.0 और ये 0.0, ये है ऐसे. अभी अगर x का वैल्यू लेना आपको 0 से 3 0 से 3, तो x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मान लेते हैं, इधर है. ओके, इसके बीच में होना चाहिए. और y का वैल्यू इससे छोटा है तो इससे नीचे होना चाहिए, और मैक्सिमम 4 तक जा सकता है y का वैल्यू. ओके, इसमें 3 डालो, कितना है, 3 3 9 9 27, बहुत आगे चला गया. तो y बराबर 4 यहाँ कहीं बीच में होगी लाइन ऐसे. बच्चों ये बाउंडेड एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. ओके जी, आइए देखिए कैसे करेंगे हम. ये पॉइंट ढूंढते हैं पहले, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे x का y का वैल्यू 4 हो गया. तो y का वैल्यू 4 डाल दो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4. तो सीधे सीधे दिख रहा है x इक्वल टू 1 है ये. तो ये पॉइंट है x इक्वल टू 1, ऐसे लाइन खींच दो, ये x इक्वल टू 1. देखो ये तो एक रेक्टेंगल ही हो गया सीधे सीधे, और ये कितना हो गया, इसमें डिफरेंस ये 2 है और ये 4 है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 8. ये एरिया कितना है भाई, 8. अब ये वाला और बच गया इतना सा, ये हम निकाल लेते हैं आसानी से. ये एरिया कैसे निकलेगा, 0 से 1 में अपर करूँ क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, और फिर इसमें जोड़ दो ये रेक्टेंगल का एरिया विच इज़ 8. तो ये हो गया देखो एक्स क्यूब बाई 3, तो 1/3 बन जाएगा, और ये 3/2 बन जाएगा, साथ में जुड़ गया 8. एलसीएम ले लो बच्चों, 6, ये हो गया 3 9 और 2 11, 11 प्लस 48 59/6 है ये. दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 15, वाई इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको. थोड़ा स्पेस रख लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाइए. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, और इसको मैं रुको जरा रुकिए, हम देखना चाह रहे हैं कि इसको अगर हम बाय इंस्पेक्शन ही सॉल्व करें, देखने भर से सॉल्व हो जाए तो फिर कहना ही क्या है. तो एक 2 की कमी है, होने को हो तो सकती है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ, एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आएगी. तो आप इसको ऐसा लिखो ना, चलिए इसको ऐसा लिख दीजिए, dy/dx प्लस 2x/x²+1 (y) = 1/(x²+1)² राइट. नाउ यू कैन सी दैट इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हुज इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x /
x square plus 1 dx. That is definitely log x square plus 1, e to the power log x square plus 1 will become x square plus 1. So solution of this equation will become y into x square plus 1 is equal to c plus integration of x square plus 1 multiply with this term. ये स्क्वायर कट जाएगा यहां से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों टेन इनवर्स x. तो कुछ ऐसा मिला अपने को. यहां से अब मुझे कुछ जो वैल्यू दी हुई y 0 0 है, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, तो इधर पुट करोगे 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स x भी 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू भी 0 हो गया. यानी कि देखा जाए तो मुझे मिला y, c को अगर मैं 0 रख दूं, बराबर हो गया टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. दैट्स ऑल. नाउ y 1 पे वैल्यू निकालनी है और रूट a, वहाँ से मुझे a कैलकुलेट करना. देखो वहाँ से देखो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है पाई स्क्वायर बाय 32 का स्क्वायर, यानी 32 इंटू y 1 का स्क्वायर. तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व. 32 गुणा y 1 का स्क्वायर. y 1 कितना आएगा, 1 डालो, यहाँ आएगा पाई बाई 4, यहाँ हो गया 2, तो ये हो गया पाई बाई 8, यानी पाई स्क्वायर बाय 64, पाई बाई 8 का स्क्वायर हो गया, है ना. पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर ख़त्म हो गया, 32 से ये 2 टाइम चला जाएगा और 2 से ये 16 टाइम चला जाएगा, तो ए का वैल्यू आ गया 1/16. वेयर इज 1/16, ये आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वाई स्क्वायर एक्स, बहुत ही सिंपल सा पैराबोला है. y स्क्वायर x सब लोग जानते होंगे, आप लोग ऐसा आता है कुछ, ठीक है. अब मुझे x को रखना है 0 से लेके a तक. ये 0 है मान लो, और दिस इज द लाइन x इक्वल टू a. एक्स वाई कैसे भी हो सकते हैं ना, कोई कंडीशन नहीं है. x पॉजिटिव है, ठीक है, y पे कोई कंडीशन नहीं है. a इज द एरिया ऑफ द रीजन s अल्फा, ओके. इफ 4, सुनिएगा, लैम्डा लाइन बिटवीन 0 टू 4, a लैम्डा is to a 4 is equals to 2:5, then lambda निकालो. चलो कर लेंगे हम सॉल्व, है ना, लेकिन पहले हमें a अल्फा निकालना पड़ेगा. ये अल्फा यहाँ पे, तो ये एरिया कितना है ये कैलकुलेट करना है. ये ओबीसी बात है, इस एरिया का डबल है. तो a अल्फा जो हो है वो हो गया ट्वाइस ऑफ 0 से लेके अल्फा तक इंटीग्रेशन करना है. किसका करना है, ये क्या इक्वेशन है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यानी वाई बराबर रूट एक्स. रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 2/3 एक्स पावर 3/2, सो फाइनली गॉट 4/3 और अल्फा पावर 3/2. लिमिट पुट कर दो, 0 पे 0 हो जाएगा, अल्फा पे ही आ जाएगा. तो ये ए अल्फा है. देखो अब अपने को क्या बोल रहे हैं, ए लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर है 2/5 ए 4 के, ऐसे बोला जा रहा है, राइट. तो इसको अप्लाई कर देते हम, तो देखो ए लैम्डा तो हो गया 4/3, सही है, और लैम्डा पावर 3/2 ये बराबर है 2/5 और 4/3 और 4 पावर 3/2. तो बच्चों 4/3 से तो 4/3 कैंसिल, ठीक है. 4 पावर 3/2 कितना हो गया, 8, ये हो गया 16/5, यानी कि लास्ट कैलकुलेशन इधर करते हैं, लैम्डा पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 16/5, यानी लैम्डा इज क्यूब रूट ऑफ 16/5. 16 में देखो 8 परफेक्ट क्यूब है, तो उसको अगर बाहर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2 टाइम 2/5 का क्यूब रूट. तो 2 टाइम 2/5 का क्यूब रूट ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया. फिर से y बराबर x स्क्वायर, चलिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये एरिया हो गया, और y इससे बड़ा होना चाहिए, यानी इसके ऊपर वाला पार्ट लेना है, और y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये लाइन हो गई ऐसे, इनके बीच का ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 और y इज इक्वल टू x स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करें तो आपको x तो वैल्यू मिलेगा x का 1, सही. x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, सॉरी x का एक वैल्यू तो आएगा -1, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे x बराबर -1, और दूसरा वैल्यू कितना हो गया 2, दिस इज x इक्वल टू 2. तो ये एरिया हो गया बच्चों -1 से 2 में, इंटीग्रेट करना आपको x प्लस 2
लाइन की इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। आई होप आप सब लोग कर सकते हैं इसको, बेहद ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो x dy वाई प्लस टू डी एक्स इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस टू एक्स डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। और ये देखो ये डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू वाई का, और सामने है एक्स क्यूब डी एक्स। सो इफ यू इंटीग्रेट देन यू गॉट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स पावर फोर बाई फोर प्लस सी। ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी यूज दिस कंडीशन। तो ये वन हो गया, ये वन बाई फोर हो गया, ये उधर चला गया माइनस के, थ्री बाई फोर हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आज ही किया हम लोगों ने। तो ये सी का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा थ्री बाई फोर, तो y का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ द रीजन। फिर से एक बार वैसा ही क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, इस तरह का पैराबोला हो गया ही, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो x का वैल्यू देखो क्या है, ये कह रहा है y का वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, यानी इसके अंदर वाला पार्ट हो गया, और x इक्वल टू वाई प्लस फोर। ये इसको देखो अगर हम, तो ऐसे लिख सकते हैं y बराबर जैसे x माइनस फोर, इसके बारे में सोचो तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये पॉजिटिव स्लोप वाली है और 4,0 से पास होती है, तो ये लाइन यूं आ गई। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, फिर से वही सारी बात। ठीक है, बट इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे, इस बार हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, मतलब इस तरह से एरिया काउंट करेंगे। और जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या फंडा होता है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो राइट कर्व से x की वैल्यू, y की फॉर्म में x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस फोर, माइनस लेफ्ट कर्व से x की वैल्यू y स्क्वायर बाई टू, डिफरेंशिएशन डी वाई। वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, देखो अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो आपको ऐसा मिलेगा कुछ, एक्स का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई टू माइनस फोर, यानी कि टू वाई प्लस एट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई का कौन सा वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, फोर सेटिस्फाई कर रहा है एक, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वाई का वैल्यू फोर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वैल्यू जो है वाई का वो देखो माइनस टू सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट पे वाई का वैल्यू क्या है, माइनस टू। तो आप इसको इंटीग्रेट करिए माइनस टू से लेके फोर तक, बस आगे बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, यू कैन इजीली इंटीग्रेट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसको सॉल्व करना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट right? और क्या है देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत इजीली हो जाएगी, इंस्पेक्शन से हो जाएगी। देखो यहां रख लेते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मुझे सॉल्व करना है कैसे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डी वाई इज इक्वल टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इधर आ जाओ भाई, माइनस वाली टर्म को इधर लाके लिख रहा हूँ, वाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे। अभी थोड़ा सोच के देखते हैं कि बात बन सकती है क्या, ये वाई के साथ में सेक स्क्वायर एक्स और डी वाई के साथ में टेन एक्स होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास यहाँ है नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, या कर लें, करना है तो ऐसा करो, देखो मल्टीप्लाई दिस विद ई पावर टेन एक्स, इसको ई पावर टेन एक्स से मल्टीप्लाई करो। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वाई इंटू ई पावर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ई पावर टेन एक्स इंटू डी वाई, और सामने हो गया ई पावर टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप समझ सके इसको किससे मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान से देखो, ये ई पावर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है
वाई एज इट इज, फिर ई पावर टेन एक्स एज इट इज, डी वाई का डिफरेंशिएशन। यानी ये जो टर्म आपको गिवन है बच्चों, ये क्या है? ये टर्म हो गई बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स, और सामने ये है ई पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स और sec स्क्वायर एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो y गुणा e की पावर टेन एक्स तो एज इट इज आ गया, इधर इधर आ जाएगा ऐसे, इसको t बोल देता हूँ मैं, तो ये हो गया e की पावर t इंटू टी और sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt प्लस में c। यहाँ t किसको माना हुआ है भाई, टेन एक्स को। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, e की पावर t इंटू टी माइनस वन होता है, तो t का मतलब है टेन एक्स, टेन एक्स ऐसा बन गया है। ओके तो कुल मिला के तुम्हें y का वैल्यू क्या मिला, देखिए y बराबर आया टेन एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस टेन एक्स। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ आ जाओ, आपको बोल रहे हैं y बराबर जीरो तो x बराबर जीरो है ना, x और y दोनों साथ साथ जीरो डाल दो, देखो ये तो वन बन c बन जाएगा ना, और ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस वन हो गया, तो c का वैल्यू वन आ गया। x बराबर जीरो तो y बराबर भी जीरो, तो ये पुट कर देंगे अगर हम, तो c का वैल्यू आ रहा है वन, यानी कि y बराबर हो गया बच्चों टेन एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस टेन एक्स। अब तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करनी है माइनस पाई बाई फोर पे, तो डाल दो, तो x बराबर माइनस पाई बाई फोर इसमें पुट कर दो, तो y बराबर आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन प्लस ई, यानी कि माइनस टू प्लस ई माइनस टू आ रहा है, तो ये रहा ई माइनस टू, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, 21। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू टू पावर एक्स, देखिए ग्राफ देखिए, वाई इज इक्वल टू टू पावर एक्स का ग्राफ होता है ऐसे कुछ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऐसा ग्राफ होगा, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स जैसा ग्राफ है, प्लस वन करने से क्या हो गया, ये वन पीछे खिसक गया ऐसे, और ये यहाँ से पास होगा जीरो कोमा वन से बिल्कुल, तो ये है लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और इधर आ गई है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, माइनस ऑफ x प्लस वन, ये दोनों मिलके बनता है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस वन का ग्राफ। इनसे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देयर इज नो एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y इज इक्वल टू, एक मिनट मुझसे शायद कोई मिस्टेक हो गई, वही चेक कर सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं। y इज इक्वल टू टू पावर x, सो इफ यू पुट x इक्वल टू जीरो देन इट विल बिकम जीरो कॉमा वन, दिस पॉइंट इज आल्सो सेटिस्फाई दिस, सो दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर अगेन इफ दे आर इंटरसेक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया मुझे निकालना है। तो ये एक पॉइंट और है, ओ बिल्कुल है, देखिए ये पॉइंट है वन वन, ध्यान दीजिए वन वन इसको सेटिस्फाई करता है, वन कॉमा टू सॉरी है ना, इफ यू पुट x इक्वल टू वन वाई यू विल गेट y इक्वल टू टू, और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एरिया है यार, तो बस हो गया खत्म। ये जीरो से लेके वन तक आपको इंटीग्रेट करना, अपर कर्व यानी कि x प्लस वन माइनस लोअर कर्व यानी टू पावर x और dx। चलो जी खत्म कर देते हैं, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू लिमिट डालोगे हाफ, वन का इंटीग्रेशन x लिमिट डालोगे वन, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा कितना, टू पावर x डिवाइडेड बाई लॉग टू, तो 2 पावर x डिवाइडेड बाय log 2, तो log 2 तो यहाँ पे, और 2 पावर x में लिमिट डालोगे तो आएगा 2 माइनस वन यानी कि 1, 3 बाय 2 माइनस 1 बाय log 2, ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ध्यान से देखिए, ये भी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, y a की जगह है, तो ये y का जो कॉफिशियंट है ये अपने को if देगा, कैसे देगा, if हो गया इसका e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, आपको पता है tan x का इंटीग्रेशन था log sec x, तो e की पावर log sec x विल बिकम e की पावर log sec x, आप जानते हो log और e तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिलेगा sec x। तो जब आपके सामने पता है आपको if एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द सॉल्यूशन, और वो क्या होंगे, y इंटू आई एफ यानी कि sec x इज इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x मल्टीप्लाई विद, सामने क्या दिया हुआ उसमें, ये सब कुछ 2x प्लस x स्क्वायर 10x,
और dx, ओके. देखो इसको बड़े ध्यान से देखोगे ना आप तो क्विकली सॉल्यूशन बता सकते हो. देखो समझ लीजिएगा, देखिए इसमें दो टर्म है x स्क्वायर और tan x, sec x tan x. देखो x स्क्वायर और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता, यही तो होगा भाई. पहले x स्क्वायर का कर लिया 2x, फिर sec x as it is, फिर x स्क्वायर को रख लिया और sec x का डिफरेंशिएशन हो गया sec x tan x. यानी ये जो लिखा हुआ है ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन यही हो गया c प्लस x स्क्वायर इंटू sec x प्लस c, तो लिख ही दिया है. तो y का वैल्यू हो गया c गुणा cos x प्लस x स्क्वायर. ये लो जी, y जीरो का वैल्यू 1 है, ओके 1 c जीरो, c का वैल्यू 1 आ गया, तो ये भी हटाओ, ये बन गया. अब मुझे क्या करना है, वाई डैश निकालने हैं, अभी भी ऑप्शन चेक करना बाकी है. तो इस ऑप्शन से पहले मैं चेक करूंगा सेकंड और थर्ड, और ये चेक करने के लिए मुझे पाई बाई फोर और माइनस पाई बाई फोर पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी. देखिए अच्छी बात ये है कि ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा इवन है, तो जितना वैल्यू पाई बाई फोर पर आएगा उतना ही माइनस पाई बाई फोर पर आएगा, इसलिए सब्ट्रैक करने पर जीरो आना चाहिए, इसका मतलब ये तो गलत है. और सेम आएगा तो दोनों को ऐड करने पर डबल कर लेते हैं, तो पाई बाई फोर पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो पाई बाई फोर पे कॉस पाई बाई फोर 1/√2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, तो इसका डबल कर लो तो जोड़ने पर ये आना चाहिए. तो आप देखो ये आता है क्या, ये बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं आ रहा है. ख़त्म, बच गए दो ऑप्शन, इनको चेक करते हैं. अब इनको चेक करने के लिए मुझे वाई डैश निकालना पड़ेगा. देखो ये फंक्शन इवन है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन पक्का ऑड हो जाएगा, और ऑड फंक्शन है ना तो जोड़ने पर जीरो आना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया. सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस, ये ही सही होना चाहिए, राइट. एक बार चेक करके जरूर देख लेते हैं अपन कि कोई गलती ना हो जाए. ओके भाई, वाई डैश क्या आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. तो अगर आप, अब ये ऑड फंक्शन है तो जितना वैल्यू वाई डैश पाई बाई फोर का होगा माइनस वाई डैश पाई बाई फोर उतना ही होगा, तो मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएगा, तो सीधे हम डबल कर लेते हैं पाई बाई फोर पर वैल्यू देख के, तो माइनस 1/√2 और प्लस पाई बाई टू ये बना, यानी कि ये हो गया देखो माइनस रूट टू प्लस पाई, पाई माइनस रूट टू बिल्कुल सही है. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ. इफ द एरिया ऑफ द रीजन, फिर से उसी तरह का सवाल है. देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हो गया ऐसे, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन आएगी यू के x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये एरिया तुमको निकालना है. x प्लस वाई लेस देन 1 है ना, तो ये सही कि x प्लस वाई लेस देन 1 मतलब इसके नीचे वाला पार्ट हो गया, ओके, और इसके अंदर वाला पार्ट हो रहा है, ठीक है. तो ये एरिया कैलकुलेट करना है. तो देखो पहले तो ये पॉइंट निकालो, ये है x प्लस वाई बराबर 1, तो ये पॉइंट क्या है, ये 1 है ये 0 है, तो इस पर x का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या x का वैल्यू हाफ सेटिस्फाई करता है, ऐसे देख रहा हूँ मैं, हाँ नहीं तो सॉल्व तो करूँगा ही. चलो जी सॉल्व ही कर लेते हैं यहाँ से बच्चों. तो मैं x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो तो आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम 1 माइनस वाई, सही है, इधर ले आओ y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4, प्लस 4 प्लस 4 कर दो दोनों तरफ ऐसे, तो ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8, यानी y बराबर हो गया माइनस 2 प्लस रूट 8, और y बराबर ये भी हो जाएगा वो नेगेटिव, एक और होगा माइनस 2 माइनस रूट 8, लेकिन मैं इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्या है भाई, पॉजिटिव है. अरे कोई कैलकुलेशन एरर का, अच्छा नहीं नहीं सही है, उसी फॉर्म में आंसर है ना. तो ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे y का वैल्यू मुझे पता लग गया कितना है 2√2 माइनस 2, ओके जी, यहाँ पे y का वैल्यू 1 है ही, तो ये एरिया निकालने के लिए मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा, तो राइट करूँ माइनस लोअर करूँ ये वाला फंडा लगाऊंगा. तो आइए देखिए ये एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज
वाई की वैल्यू जीरो से लेके ट्वाइस ऑफ रूट टू माइनस वन तक हमें रखनी है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ से देखो, एक्स का वैल्यू निकालो वाई की फॉर्म में, वन माइनस वाई माइनस, इससे एक्स का वैल्यू निकालो वाई की फॉर्म में, वाई स्क्वायर बाई फोर और डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और इसमें लिमिट पुट कर दीजिएगा, यू कैन ईजिली गेट द आंसर, ठीक है। उसके बाद इसको हम कंपेयर कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी हम इसी क्लास में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं आज, पैराबोला और लाइन वाले। आगे बढ़ते हैं बच्चों, e की पावर y प्लस एक्स वाई बराबर ई, द ऑर्डर्ड पेयर एट x इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, ओके। यहाँ से आपको ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू जीरो पर। तो आओ देखो कैसे करो। सबसे पहले तो इसमें x का वैल्यू जीरो डाल के y निकालो। तो अगर आप इसमें x का वैल्यू जीरो डालोगे दिस विल बिकम जीरो, कंपेयर करोगे y का वैल्यू वन। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया, e की पावर y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, सॉरी प्लस x का करोगे 1 y एज इट इज, फिर x को रख के y का किया y डैश, सामने हो गया 0। अब आप इसमें पुट करो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1 और बताओ मुझे कि y डैश कितना आया। तो देखिए x का वैल्यू 0 डालूंगा ना, ये टर्म 0 हो गई, यहाँ 1 बचा और ये e बचा, तो y डैश हो गया माइनस 1 बाई ई। तो इससे मुझे पता लग गया ये गलत है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, अभी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो। e की पावर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर y y डैश यानी y डैश का स्क्वायर हो गया, प्लस e की पावर y और इसका करेंगे तो y डबल डैश, प्लस y डैश प्लस y डैश प्लस x y डबल डैश बराबर 0। अब इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दो तो देखिए क्या आएगा, e की पावर y तो वो तो हो गया e, y डैश ये रहा इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बाई ई स्क्वायर, तो कैंसिल होके फर्स्ट टर्म तो बन गई 1 बाई ई। सेकेंड टर्म पे आते हैं, ये कितना हो गया e, y डबल डैश तो कैलकुलेट ही करना है, प्लस 2 टाइम y डैश, 2 टाइम y डैश करोगे तो माइनस 2 बाई ई, प्लस x का वैल्यू है 0 तो ये बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से y डबल डैश निकल के आया 1 बाई ई स्क्वायर, प्लस का है ना, कैंसिल हो गया उधर जाएगा, प्लस का आ रहा है। तो ये रहा आंसर, सेकेंड आंसर जो है अपना वो सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ द वैल्यू ऑफ y इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 2। ओके, आइए देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए आप, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, जस्ट अ वेट, जस्ट अ मिनट, एक बार इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर हम ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सके तो ज़्यादा ठीक है। तो इट कैन बी रिटर्न वाई क्यूब डी एक्स, एक बार ऐसे देखते हैं, प्लस एक्स वाई डी वाई और माइनस डी वाई बराबर 0। इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया मैंने, ओके। यहाँ देखिए डी एक्स वाली एक ही टर्म है, उसके साथ है वाई क्यूब है और एक्स कहाँ है मेरे पास, एक यहाँ है एक्स और डी वाई है। वेट, अगर हम इसको y से डिवाइड करें तो y स्क्वायर बचेगा, y स्क्वायर से डिवाइड करें तो y, ओके ओके ओके, ऐसा तो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो चलिए छोड़ो इसको ना, इधर आ जाओ, इसको ऐसे लिख लो डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, प्लस इससे इधर डिवाइड कर दिया, y स्क्वायर से इधर कर रहा हूँ, 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, ये सामने चला गया 1 अपॉन वाई क्यूब ऐसे, ओके। और अब ध्यान से देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x में लीनियर है, और इसका if क्या होगा, इसका if होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई स्क्वायर और dx, ये 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, वो हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई, यानी e की पावर माइनस 1 बाई वाई, ये if है। आई एफ पता हो तो अब हम सॉल्यूशन लिख लेंगे उसके जल्दी से, आ जाइए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा वो एक्स गुणा, यहाँ पे एक्स आएगा साथ में, एक्स गुणा आई एफ यानी ई की पावर माइनस वन बाई वाई बराबर सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू ये जो सामने बचा था 1 बाई वाई क्यूब। देखो 1 बाई वाई क्यूब को ऐसे समझो बच्चों, 1 बाई वाई और 1 बाई वाई स्क्वायर और dy, क्यों समझो ऐसे, अभी समझाता हूँ, माइनस माइनस दोनों जगह कर दो ऐसे,
अब देखो अगर मैं e पावर माइनस वन, ये माइनस वन बाय वाई को अगर मैं t मान लेता हूँ तो ये ऐसे हो गया c प्लस e की पावर t इंटू टी, ठीक है, और बात बनी नहीं है ना, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, कोई बात नहीं, तो माइनस डी टी ऐसा बन गया। तो ये लो जी c और माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर t, t माइनस वन, यानी कि c माइनस e की पावर माइनस वन बाई वाई और माइनस वन बाई वाई माइनस वन, इसको कॉमन लेके यहाँ प्लस कर दो आप, ये बन गया। तो यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा e की पावर वन अपॉन वाई गुणा एक्स प्लस एक बटा वाई प्लस वन। तो ये है बच्चों फाइनली, c नहीं लिखा मैंने, x का वैल्यू आएगा c के साथ है भैया, सॉरी ये c है यहाँ पे, है ना, इसको मैंने e पावर वन बाई वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब c निकालने के लिए दिया हुआ है x का वैल्यू वन तो y का वैल्यू वन, तो वन बराबर e गुणा c प्लस टू, सही है, तो ये उधर गया तो c का वैल्यू क्या आया माइनस वन बाई ई, वो भी डाल देते हैं, तो x बराबर हो गया माइनस e की पावर वन अपॉन वाई अपॉन ई प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन। अब ये कह रहा है जब y का वैल्यू वन हो तो x क्या होगा, तो वो भी देख लो, तो y का वैल्यू वन डालोगे तो ये माइनस वन हो गया, प्लस वन हो गया, प्लस वन हो गया, कैंसिल होके वन आ गया, x का है मान, नो गलत बोल गया, देखो जब x का वैल्यू y का वैल्यू टू हो तो कैलकुलेट करना, ये लास्ट स्टेप अपनी थोड़ी गड़बड़ हो गई, चलिए इसको सुधारते हैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई मुझको, मैंने ऊपर वाली लाइन पढ़ ली, x इक्वल टू टू पे चेक करना था, तो ये ऐसे था, तो x का मान निकालना जब y की वैल्यू टू हो, है ना, तो y की वैल्यू टू डालो तो ये हो गया माइनस e की पावर हाफ अपॉन e प्लस वन बाई टू प्लस वन, यानी कि बच्चों थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट e, थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट ई, ये रहा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो गया है, ये रहा भाई थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन क्या है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन इज वन बाई नाइन देन, वैसे तो पैराबोला और लाइन का ही है लेकिन यहाँ लाइन और पैराबोला में अननोन टर्म है तो करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम आती है क्या। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर लैम्डा एक्स, ये ऐसा हो गया भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर लैम्डा एक्स और y बराबर लेमडा x, y बराबर लेमडा x, लेमडा पॉजिटिव है, ये मान लीजिए y बराबर लेमडा x ऐसे लाइन है, तो ये एरिया अपने को पता कर दिया हुआ है 1 बाई नाइन है, इससे मुझे लेमडा निकालना, दिस इज y इक्वल्स टू लेमडा x, दिस पॉइंट इज 0 0, कैन यू फाइंड आउट दिस पॉइंट, बिल्कुल y की जगह इसमें डाल दो, देखो लेमडा x, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर, x x कट गया तो x का वैल्यू आया 4 बाई लेमडा, 4 बाई लेमडा, नो 4 बाई लैम्डा पे तो 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू है 4 बाई लैम्डा कोमा 4, और बिल्कुल यही वैल्यू है, सेटिस्फाई कर रही है 4 बाई लैम्डा कोमा 4। चलिए आगे चलते हैं, तो ये एरिया जो है देखो ये एरिया कितना हो गया, ये एरिया हो गया इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में करना चाहोगे y के रिस्पेक्ट में करते हैं, देखो तो राइट करो यहाँ से x की वैल्यू निकालो y अपॉन लैम्डा माइनस इससे x की वैल्यू निकालो y स्क्वायर अपॉन 4 लैम्डा, y की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक गई 4 तक, साथ में dy, और ये वैल्यू दी हुई है बच्चों 1 बाई नाइन, यहाँ से तुम्हें कैलकुलेट करके निकालना है लैम्डा, तो देखो कितना आएगा, ये 1 बाई लैम्डा को तो बाहर ही खींच लो पहले ही, और सुनना देखो y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2, तो y स्क्वायर में 4 डालोगे ना तो 16 बटे 2 8, जीरो पे तो जीरो हो ही जाएगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन 12 हो गया ये, वाई क्यूब अपॉन 12, उसमें 4 डालोगे तो 4 का क्यूब बटे 12, तो भैया ये हो गया 4 का स्क्वायर बटे 3, यानी कि 16 बटे 3 माइनस 16 बटे 3 बराबर है 1 बटा 9, तो इस तरह से तुम्हें लैम्डा बराबर मिला, 9 को उधर गुणा कर दो कितना हो गया 8 9 72 माइनस 16 3 48 72 माइनस 48 यानी कि 24, तो लैम्डा की वैल्यू है, क्या हो गया कुछ एरर हो गई क्या, वेट वन सेकंड वेट करिए,
लैम्डा हमने कॉमन ले लिया था, तो वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर हो गया 16 बाई टू करोगे 8, और वाई क्यूब बाय 3, तो वो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 4 और वाई क्यूब, तो 16 बाई 3 आया, दैट्स करेक्ट। और लैम्डा में इधर लेके आ गया, इसको उधर ले गया, तो 72 और माइनस 3 इंटू 9 इंटू 16 3343। कुछ तो लगता है गड़बड़ हो गई है कहीं, तो लैम्डा किसके बराबर है भाई, 24 है। अच्छा है ना 24, यार मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो राइट आंसर इज 24। ओके बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए यहाँ पर अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और बस इसका सॉल्यूशन ही निकालना, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए शुरू हो जाता है। देखिए इसको पहले तो मैं डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए इसको ऐसे लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ देखो वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे बात बन सकती है, अगर मैं वाई स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए v मान लेता हूँ तो 2y डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स। तो ये सब्सिट्यूशन कर दें अगर हम, तो अब ये इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी। देखो ये टर्म हो गई बच्चों डी वी बाई डी एक्स और हाफ यानी x बाई टू डी वी बाई डी एक्स, सामने हो गया v माइनस एक्स क्यूब। थोड़ा सा इसको और सही ढंग से ऐसे लिख लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स, टू वी बाई एक्स को इधर ले आओ, माइनस टू बाई एक्स इंटू वी इज इक्वल टू, और ये माइनस टू एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। वी और वी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कि आई एफ क्या होगा, तो यहां आइए देखिए, हाँ भाई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा, देखो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू बाई एक्स डी एक्स, सो दैट इज माइनस टू लॉग एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा e की पावर माइनस टू लॉग एक्स, सॉरी फाइनली यू गॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब सॉल्यूशन लिखने की बारी, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया v गुणा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद माइनस टू एक्स स्क्वायर। ओहो, ये तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो सीधे सीधे ये हो गया c माइनस टू एक्स, और v का वैल्यू, v की वैल्यू अपन वापस पुट कर देते हैं यहाँ पे, v किसको माना था भाई हम लोगों ने, वाई स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब। तो ये आंसर है इसका, यहाँ कोई कंडीशन चेक करनी है नहीं हमें, कोई इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, बस सॉल्यूशन ही देखना है। तो देखिए दोनों को एक ही फ्रेम में रखते हुए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही है, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब बराबर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये करेक्ट है ना। सी के साथ प्लस माइनस चलता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस सी भी कांस्टेंट होता है, माइनस सी भी कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 28। इफ वाई इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट वाई जीरो जीरो, देन ठीक है, फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको सिंप्लीफाई करना है, और आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा बाई ऑब्जर्वेशन हो सके तो वैसे देखिए, बिल्कुल हो जाएगी। देखो 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 ध्यान से देखो, इसको ऐसा लिख दूं क्या, डी वाई माइनस डी एक्स, सही है, अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई, जो बेसिकली यहाँ पे ऐसे हो गया, अपॉन में डी एक्स है, हो गया देखो सॉल्व, ये तो है ई की पावर एक्स माइनस वाई। रुको 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 रुको, इसको इधर ले आओ, डिवाइड कर दो इधर, तो ऊपर आके बनेगा ई की पावर वाई माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई माइनस एक्स, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई माइनस एक्स, सामने हो गया डी एक्स, और अब इंटीग्रेट कर दो तो ये आ गया ई की पावर वाई माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। वाई जीरो जीरो है, एक्स का वैल्यू जीरो डालने पर वाई का वैल्यू भी जीरो आ रहा है, तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो तो सी का वैल्यू वन है, यानी ई की पावर वाई माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस वन, तो वाई वन क्या होगा, पुट करो एक्स का वैल्यू वन, e की पावर y माइनस वन बराबर वन प्लस वन, यानी y बराबर हो गया वन प्लस लॉग टू। ओके,
तो 1 + log 2 ये रहा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ो जल्दी से। 29, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। आइए पहले तो एरिया डिफाइन करते हैं, कौन सा एरिया निकालने की बात हो रही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये तो भाई ऐसा हो गया कुछ, वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स स्ट्रेट लाइन हो गई इस तरह से, ये 0.11 हो गया। ओके थोड़ा सा हम लोग जगह और बना लेते हैं, ठीक है। और सर्किल है, इसकी रेडियस है बच्चों देखो √2। अच्छा ध्यान दीजिए, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस भी √2 ही है, यानी ये जो सर्किल बनेगा यहीं से पास होगा, तो ये सर्किल है ऐसे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल, सर्किल के अंदर वो एरिया विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय, ओके मतलब इस सर्किल के एरिया में से इनका जो कॉमन रीजन है, यानी ये वाला रीजन छोड़ देना है। ओके सीधी सी बात है यार, ये वाला कैलकुलेट करना है और उसको सर्किल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ओके तो ये कितना हो गया, देखो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर यानी 2, यहाँ पे आर का वैल्यू √2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो ये एरिया। ये एरिया कैसे निकालेंगे, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करो, अपर कर उसे वाई की वैल्यू निकालो √x, माइनस लोअर कर उसे वाई की वैल्यू निकालो x। तो बेहद आसान सा हो गया, तो 2π माइनस √x, √x का इंटीग्रेशन करोगे आप तो कितना आएगा, 2/3 x^3/2, यानी फाइनली 2/3 बन जाएगा, और ये हाफ बन जाएगा, x^2/2 करोगे कितना हो गया, देखो 4 - 3 1/6 हो गया, सो 2π - 1/6 है कहीं आंसर, ये रहा 2π - 1/6, तो ये फर्स्ट आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलो। ओके गिवन है एक इक्वेशन और बस सॉल्व करना है उसी को, फिर ये बताना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए इसको कैसे सॉल्व करें, इसको देखो ऐसे कर लो, वाई स्क्वायर एक्स डी वाई और सामने डी एक्स, तो इसको ऐसा लिख दूं मैं dx/dy उधर ले करके, और x को उधर ले जाते हैं, +x = y². नाउ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ef है e^(1.dy), यानी कि e^y। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x (e^y) = c + (y²)(e^y) dy। रही बात इसके इंटीग्रेशन की, तो वो मैं बता देता हूँ, क्या आएगा e^y, राइट, और y²-2y + 2 + c। सो फाइनली x = क्या आएगा, x = इसको उधर ले जाओ c (e^y) - y + y²-2y + 2। ये एक एक्स्ट्रा c लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही लगा चुके हैं c इधर, तो ये आ गया बच्चों। अब ये क्या कह रहा है, y का x का वैल्यू 0 डालने पे y का वैल्यू 1 आना चाहिए, तो x का वैल्यू 0 डालें तो ये 0, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ बचेगा, आइए देखें उससे हमें क्या मिलता है, इधर आ जाओ, इसको पकड़ो, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, तो ये हो गया c/e + 1, तो c का वैल्यू कितना हुआ -e। तो चलिए अगले स्टेप में, x बराबर हो गया -e यानी e^(1 - y) + y²-2y + 2, ये बन गया इक्वेशन। करना क्या है, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काटता, तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 अगर डाल दोगे आप तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, y = 0 पुट करो -e 0 + 2 -e, ये आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए द एरिया ऑफ दिस, फिर से पैराबोला है y = 4x², इस बार ऐसे वाला है, ये y = 4x² हो गया,
और ये लाइन हो गई y बराबर 8x प्लस 12। ऐसे ये पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, फिर बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए y का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखिए x का वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है ये पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट -1 होगा। x का वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है। तो आपका आंसर हो गया -1 से 3 अपर कर्व यानी 8x प्लस 12 माइनस लोअर कर्व यानी 4x स्क्वायर। इंटीग्रेट आप कर लेना इसको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो 32, लेट y बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट, और फिर से देन dy बाई dx एट x इक्वल टू हाफ पे dy बाई dx निकालना है। उससे पहले आपको लेकिन k निकालना, और k कैसे निकालेंगे इस कंडीशन से, तो चलिए इसको पुट कर देते हैं। y का वैल्यू हाफ, x का वैल्यू हाफ, तो y का वैल्यू है -1/4। तो देखिए पुट करने पे क्या मिलेगा, आ जाइए -1/4, x का वैल्यू डालो यहाँ पे हाफ 1/4, तो अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू k माइनस एक्स, बोले तो हाफ 1 माइनस y स्क्वायर, कितना हो गया 1/16, 1 माइनस 1/16, तो √15/4, यानी बच्चों k का वैल्यू हो गया 8, और अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 3, आप चाहें तो इसमें से रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, इसको फिलहाल यही छोड़ते हैं, और अभी k को k ही रहने देते हैं ना, फिर लास्ट में वैल्यू डाल देंगे। dy बाई dx निकालना है यहाँ से हमको, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लूँ मैं, y देखो गिवन इक्वेशन क्या है, y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू k। ओके यार, हमने थोड़ा ध्यान से देखा ही नहीं, हमें k की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे कर लेते हम ये क्वेश्चन, तो क्लास 12th की NCERT में भी मिल जाएगा आपको जैसा मुझे याद है। यहाँ से dy बाई dx निकालना हो तो कैसे निकालें, डिफ्रेंशिएट है ना, ऐसे कर लो, ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, लेट वी पुट की x को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं साइन a, और y को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं साइन b। यहाँ डाल देता हूँ देखो, तो ऐसे बन जाएगा साइन b cos a प्लस cos a साइन b, cos b साइन a बराबर के, और ये हो गया साइन a प्लस b बराबर के, है ना, तो a प्लस b बराबर हो गया साइन इनवर्स के, है ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी, फालतू टाइम खराब किया मैंने ना, a प्लस b वापस आ जाओ यहाँ पे, हाँ जी a की वैल्यू डाल देते हैं वापस से, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स के। नाउ डिफरेंशिएट, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, सामने जीरो हो गया, तो इसमें x और y डालो काम खत्म। और वो कहाँ पुट करना है अपने को, वापस क्वेश्चन देखना पड़ेगा, x बराबर हाफ पे dy बाई dx निकालना है, जरूरत पड़ेगी वहाँ से हमें कैलकुलेट करने की। देखो ये आया फाइनली, अच्छा वो जो पीछे लिखा था वो कहाँ गया, वो ये रहा सब कुछ, ये जो अपन ने कैलकुलेशन की थी ये भी खराब तो नहीं है, काम आएगी आएगी, पर मैं इस रिजल्ट को ले आता हूँ ऊपर से, यहाँ से dy बाई dx आपको क्या मिला वो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो अपने को मिला dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस x y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये मिला। अब आपको किस पॉइंट पे चाहिए, हाफ पे, ओके कब जब, अच्छा ये दिया हुआ ना, हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो x का वैल्यू हाफ है तो y का वैल्यू दे ही रखा है, ये पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो गया ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस x का वैल्यू हाफ तो 1/4, 1 माइनस y का वैल्यू 1/16, तो ये हो गया बच्चों माइनस अंडर रूट 15/16, और ये हो गया 3/4, तो उल्टा कर दो 4/3, तो कुल मिला के माइनस अंडर रूट 5/4,
माइनस के रूट फाइव बाई टू, ये रहा, दैट्स ऑल। तो देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, ये के की वैल्यू हमने निकाल के तो रखी थी पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने सब्सटीट्यूशन की हेल्प से किया तो के को डिफरेंशिएट करने पर के गायब ही हो गया, तो उसके आंसर वैल्यू डालने की जरूरत पड़ी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ, कुछ ये रहा, एट द कर्व सी वन सी टू दो कर्व है, ओरिजिन पे काटते हैं। चलिए पढ़ेंगे साथ साथ पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू हम प्लॉट भी करते चलते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए होगा अपने को, तो अपन जगह बना लेते हैं इधर डायग्राम प्लॉट करने के लिए, आ जाओ। हाँ जी, 4.a पॉजिटिव है, पहला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स ऐसा हो गया, और दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, ये ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई और वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। एक तो ये ओरिजिन पे काटेंगे ऐसे, एक पॉइंट और ये मुझे लग रहा है ए कोमा ए ही होना चाहिए, है ना, तो ए कोमा ए पे काट रहे हैं ऐसे, ओ एंड ए पॉइंट पी, तो इस पॉइंट का नाम पी है, इसका नाम ओ है। लेट द लाइन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्ट द कॉर्ड ओ पी एंड द एक्स एक्सिस, कॉर्ड ओ पी और एक्स एक्सिस को एक लाइन एक्स इक्वल टू बी ऐसे है, ये लाइन है एक्स इक्वल टू बी इंटर एट पॉइंट क्यू, ओ पी एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू एंड आर, ओके ये पॉइंट क्यू है ये पॉइंट आर है रिस्पेक्टिवली, इफ द लाइन एक्स इक्वल टू बाइसेक्ट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सी वन एंड सी टू, ओके ये बिल्कुल बीचों बीच है एरिया आधा आधा बांटते हुए, और डेल्टा ओ क्यू आर ओ क्यू आर ओ क्यू आर इसका वैल्यू हाफ है, देन ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके ओके आ जाइए, देखिए सब चीज़ों पर बात करेंगे एक एक करके, जो सबसे आसान है पहले उसको पकड़ते हैं, डेल्टा ओ क्यू आर अपने को दिया हुआ है हाफ, ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ओ आर, हाइट कितनी है आर क्यू, बराबर हाफ होना चाहिए, हाफ से तो हाफ कट गया, देखो ओ आर ये डिस्टेंस कितनी है बेटा बी, और ये लाइन वाई बराबर एक्स हो गई, तो ये डिस्टेंस भी बी है, ये पॉइंट क्यू जो है ये बी बी हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू वन है, तो आपको पता लग गया बी का वैल्यू वन है, चलो बी तो खत्म, तो ये लाइन हो गई एक्स इक्वल टू वन। अब ये लाइन इसके बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसको अब हम कैसे पता लगाएं, वही एरिया वाली हेल्प से कैलकुलेट करेंगे हम इसको, कि भाई ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बराबर होना चाहिए। आइए देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ये जो एरिया पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये किसके बराबर होगा, अपर कर्व जीरो से ए में इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, अपर कर्व वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, यहां से वाई की वैल्यू निकालो रूट ए रूट एक्स, माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व ये था और इसकी इक्वेशन क्या थी, तो यहां से वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, इसका ये जो एरिया है ये जस्ट डबल होना चाहिए किसका, जीरो से वन रूट ए रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए और डी एक्स का, सही है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया का जस्ट डबल है ये एरिया, ये मिट कैसे गया, जस्ट अ मिनट, हाँ तो ये जो एरिया है इसका डबल है ये वाला पूरा, ये लगा देता हूँ वही की बात है बीचों बीच हो गया, चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करके हम रूट ए का वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाओ करना क्या वैसे मुझे ए कैलकुलेट करना, एक किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, ओके कैलकुलेट भी नहीं करना, अगर कोई इक्वेशन आई तो शायद हो सकता है इक्वेशन डायरेक्टली मैच कर जाए, इसको सॉल्व करना है मुझे, आ जाइए यहाँ पे देखिए क्या होगा, रूट ए तो रूट ए ही है भाई, इसका तो कुछ नहीं होगा, रूट एक्स का, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टू बाई थ्री और एक्स पावर थ्री बाई टू, तो ये बन जाएगा ए पावर थ्री बाई टू और टू बाई थ्री, तो ए पावर थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई होके, चलो एक बार तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है वैल्यू भी डाल दी मैंने तो साथ के साथ, चलो जो भी है एक्स ही लिखना चाहिए ना, वैल्यू बाद में डालेंगे क्योंकि उधर मुझे इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा ना, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री ए और इसमें लिमिट है जीरो से ए, और सेम चीज़ ये देखो यहाँ आएगी, सही है टू बाई थ्री रूट ए और एक्स पावर थ्री बाई टू और माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री ए और इसमें लिमिट है मेरी जीरो से वन। अब लिमिट पुट कर देता हूँ मैं और देखता हूँ क्या बनता है, देखिए ए पुट करें जीरो डालने पे तो जीरो हो जाएगा दोनों ही तरफ, ए डालो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर,
सो 2/3 ए स्क्वायर माइनस, यहाँ भी पुट करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई थ्री, 2/3 में से 1/3 ए स्क्वायर घटाओगे तो ये टर्म क्या बन गई, ये सारी टर्म तो बन गई ए स्क्वायर बाई थ्री ही बन गई। इधर आ जाओ, इधर वन डलेगा एक्स की जगह तो आपको मिलेगा 2 × 2/3 रूट ए माइनस 1/3 ए, ओके, और जीरो डालने पे जीरो हो जाएगा। अब बच्चों थ्री तो हम देखो कैंसिल आउट कर सकते हैं, थ्री 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 खत्म, ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए क्यूब बराबर 2 √2 यानी कि 4 ए पावर 3/2 माइनस 2, ऐसा हो गया। ये बाई 2 हटाने के लिए इस 2 को इधर लाके स्क्वायर कर लो, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है ना, 6 में बन नहीं रही है, सीधे सीधे इक्वेशन ही बन जाएगी। देखो इधर ले आओ इसको जल्दी से, इसको ऐसे लिख लो ए क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 4 टाइम ए पावर 3/2। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर करोगे इधर आएगा ए की पावर 6 प्लस 4 ए की पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ए क्यूब। इधर लाइए ए की पावर 6 माइनस 12 ए क्यूब प्लस 4 बराबर 0, है ये आंसर में कहीं, ए की पावर 6 माइनस 12 ए क्यूब प्लस 4 ये रही, ये है वो इक्वेशन जिसको ये सेटिस्फाई कर लिए, सो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 34। ओके, ये क्वेश्चन तो देखा वैसा लग रहा था कि अभी अभी शायद नहीं, आइए देखिए इसको ऐसे लिख लो, डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेगा साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। कॉन्स्टेंट भी ऐसे ही ले लेते हैं ना, या कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की तरह ले लो। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं, ये अगर आप वाई एक्स का वैल्यू हाफ डालो तो वाई का वैल्यू √3/2 आएगा, इससे सी निकाल लेंगे हम, सी ही रहने दो यार छोड़ो। देखिए वाई का वैल्यू हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ कितना हो गया, साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6। एक्स का वैल्यू ये यहाँ पे डाल दिया मैंने एक्स, ऐसे समझ लो साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई एक्स बराबर होना चाहिए सी के, यानी सी का वैल्यू हो गया बच्चों पाई बाई 2। तो ये पता लग गया कि ये पाई बाई 2 है। अब ये कह रहा है कि माइनस हाफ पुट करो भाई यहाँ पे एक्स की जगह, तो आपको मिला साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√2 बराबर पाई बाई 2। ये कितना हो गया, माइनस पाई बाई 4 हो गया है ना, उधर जाएगा तो 3π/4 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स वाई बराबर हो गया 3π/4। अब वाई कितना हो गया, इसको उठा के उधर लगा दो तो साइन वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर हो गया साइन 3π/4, मतलब कि 1/√2 ही आया, साइन 3π/4 बोला ना मैंने, तो कितना हुआ 1/√2 प्लस का आएगा ये रहा। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 35 पे आ जाओ, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 बराबर दे दे, ये सब आपको गिवन है और अब आपको करना क्या है उस पर आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ओके देखिए बच्चों पहले इस टर्म को देखिएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है हाफ ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये रहा साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इतना सा ही है। ओके डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो सीधी सी बात है वाई बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ओके अब इसमें एक्स का वैल्यू √3 पुट करने पर वाई का वैल्यू पाई बाई 6 आना चाहिए, तो यहाँ आ जाइए तो पाई बाई 6 आना चाहिए वैल्यू, जब हम √3 यहाँ डाल देते हैं, टेन इनवर्स √3 होता है पाई बाई 3, तो ये हो गया पाई बाई 6 प्लस सी, तो सी का वैल्यू हो गया 0, यानी कि वाई बराबर हो गया टेन इनवर्स 2x टेन इनवर्स एक्स बाई 2। कैलकुलेट क्या करना है, माइनस √3 पे वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर मैं माइनस √3 डाल दूँ तो y बराबर आएगा माइनस पाई बाई 3/2 पाई बाई 6 हो गया, तो ये रहा आपका आंसर।
ओके चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 36, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व इज दिस. ओके ये कर्व गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है अपने को. आओ देखो कैसे बनाते हैं. पहले तो हम क्या करते हैं कि इसमें काउंट करो कि कितने अननोन कांस्टेंट है. तो यहाँ एक ही अननोन कांस्टेंट है बी, तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बी को एलिमिनेट कर देंगे. ये सारा प्रोसीजर है. तो आपको ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4BY प्लस 4B स्क्वायर, है ना. इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो. विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं देखो, तो 2x और dx/dy बराबर 4B आ गया. तो यहाँ से तुम्हें बी का वैल्यू क्या मिला, अच्छा वाई डैश की फॉर्म में लिखना है. तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, एक्स अपॉन 2 और इसको नीचे लिख सकते हैं dy/dx यानी वाई डैश. ये वैल्यू उठा के बच्चों आप यहाँ डाल दो तो b एलिमिनेट हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y इंटू बी यानी कि एक्स अपॉन 2y डैश प्लस 4b स्क्वायर. 4b स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर. तो फाइनली इसको वाई डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा और एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो ये एक्स एक्स और ये, तो मुझे मिलेगा वाई डैश स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 2 वाई वाई डैश प्लस एक्स. देखिए कहाँ है ये टर्म आपके पास, एक्स वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2y वाई डैश प्लस एक्स, ये रहा. सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है जी. अगले क्वेश्चन में आ जाओ 37, द एरिया ऑफ द रीजन. फिर से y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे लाइन हो गई और y बराबर 3-2x ये लाइन ऐसे हो गई. ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, सही है. ये क्या है y बराबर 3-2x, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर. दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू 1 एक तो यहाँ पे ना इस जगह इस पॉइंट पे क्या आएगा x बराबर 1 और दूसरा हो गया देखो -3, तो ये पॉइंट है x बराबर -3. तो आपका आंसर हो जाएगा ये एरिया कितना हो गया, -3 से 1 तक इंटीग्रेट करिए अपर कर्व मतलब लाइन से y का वैल्यू निकालो 3-2x माइनस कर्व से y का वैल्यू निकालो एक्स स्क्वायर साथ में लगा दो dx. सिंप्लीफाई इसको आप कर लेना, बेहद ही सिंपल है. 38, एफ बी एनी फंक्शन कंटिन्यूस है ट्वाइस डिफरेंशियबल है इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ओके और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है. मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग बट कॉनकेव डाउनवर्ड, इस टाइप का फंक्शन है ये ओके. एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन, ठीक है जी. आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये. इस तरह का कर्व है देखो, इंक्रीजिंग कर्व है और ये कह रहे हैं कि फॉर एनी कोई भी पॉइंट अगर हम सी यहाँ ले लेते हैं ए और बी के बीच में, ये पॉइंट सी लिया तो ये सी कॉमा एफ सी हो गया ये पॉइंट. इस पर यहाँ कहीं ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ए है, ये पॉइंट बी कॉमा एफ बी. इस तरह का कर्व है और ऐसे पॉइंट हो गए, तो एफ सी माइनस एफ ए और एफ बी माइनस एफ सी. पहले तो ये देखते हैं ये चीज़ आखिरकार रिप्रेजेंट किसको करेगी. एफ सी माइनस एफ ए क्या है बेसिकली, बी सी और सी ए दोनों देखना है. देखिए इस लाइन को और इस लाइन को अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखता हूं, वेट अ मिनट एफ बी माइनस एफ सी निम्न में से किससे बड़ा है. ओके ऑब्वियस ही बात है, देखिए अगर कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड है ना तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी और होगा क्या स्टार्टिंग. अच्छा एफ डबल डैश नेगेटिव होने का मतलब ये भी है कि एफ डैश जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है राइट. तो शुरू में डेरिवेटिव कम आएंगे, डिक्रीजिंग है, शुरू में ज़्यादा होंगे बाद में कम हो जाएंगे. तो जाहिर सी बात है इस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा इस लाइन के स्लोप से. इसका नाम मैं रख देता हूँ सी ए और बी. तो स्लोप ऑफ ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन टू स्लोप ऑफ बी सी इफ द कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड एंड इंक्रीजिंग. और अब इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ. देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कैलकुलेशन से समझाऊंगा, इट विल टेक सम टाइम. बट अगर आप ऑब्जर्वेशन से देखें, आप ऐसा कर्व बनाए जो इंक्रीजिंग हो और कॉनकेव डाउनवर्ड हो,
सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, एफ डैश पॉजिटिव है, इसका ये मतलब निकला, तो ऐसा कर्व कहीं भी पॉइंट लोगे तो इस लाइन का स्लोप इस लाइन से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AC क्या हो गया, ये हो गया बच्चों FC माइनस FA अपॉन C माइनस A, ठीक है। स्लोप ऑफ BC क्या हो गया, FB माइनस FC अपॉन B माइनस C, ओके। अब चूंकि कर्व इंक्रीजिंग है तो FB माइनस FC भी पॉजिटिव, ये जितनी भी क्वांटिटी आपको दिख रही है सब पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, आप देख सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी का साइन चेंज होगा नहीं, तो आपको ऐसे मिला FC माइनस FA अपॉन FB माइनस FC इज ग्रेटर देन C माइनस B, C माइनस A है उधर, सॉरी FC माइनस FA था ना, तो नीचे C माइनस A है, C माइनस A अपॉन B माइनस C, तो इससे बड़ा होगा C माइनस A अपॉन B माइनस C, ये रहा आपका ऑप्शन थर्ड, ओके जी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो है ना, थोड़ा सा आपको ग्राफिकल अप्रोच से सोचना है और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई सेटिस्फाइंग दिस, ओके आ जाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई और डी एक्स। वैसे तो देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन के पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और मैं चाह रहा हूँ कि देखते हैं बायो ऑब्जर्वेशन सॉल्व हो जाए तो बेस्ट है, और अगर बायो ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, जो मुझे लग रहा है नहीं होगी क्योंकि एक टू यहाँ मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, हम अपना मेथड तुरंत ही चेंज कर लेंगे। और एक मिनट दो मुझे, इसको इधर ले जाओ, ओके। डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में लिख करके देखें तो बात शायद ज़्यादा आसानी से बन जाए, देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है, करेक्ट। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई से, बात बन जाएगी, देखो आ जाओ इधर आ जाओ, नाउ दिस कैन बी रिटर्न, ये भूल जाओ, इसको मैंने पलट लिया बस और ऐसे लिख लिया है, और अब मैं इसको ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे बच्चों, x से, तो ऐसे बन गया x डी एक्स बाई डी वाई, है ना, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, इसका तो x खत्म हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर वाई हो गया, इसको उधर ले जाता हूँ सामने, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और इधर बच गया वाई, ऐसे करेक्ट। इसको टू से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, और अब मैं बच्चों एक्स स्क्वायर को मान रहा हूँ वी, तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, दिस टर्म कैन बी रिटर्न डी वी बाई डी वाई माइनस, ये हो गया टू अपॉन वाई इन टू वी इज इक्वल टू टू वाई। नाउ इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो ये वी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जल्दी से, इसका आई एफ क्या होगा, ई की पावर माइनस टू बाई वाई और डी वाई, सो फाइनली दैट इज माइनस वन बाई वाई स्क्वायर। तो सॉल्यूशन हो गया v इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू वाई गुणा वन बाई वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके क्या बनेगा, c प्लस टू लॉग वाई। तो ये मिला v, किसको माना था मैंने एक्स स्क्वायर को, तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर लॉग वाई। करना क्या है, अब उस पर आ जाते हैं, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू भी 1, तो x y दोनों का वैल्यू 1 1 डाल दो, देखो ये 0 हो जाएगा 1 और 1, तो c का वैल्यू 0 आ जाएगा, नहीं c का वैल्यू 1 आ जाएगा, सॉरी, तो c का वैल्यू 1 है भाई, तो x स्क्वायर बराबर हो गया y स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर log y के। अब ये पूछ रहा है कि जब y का वैल्यू e होगा तो x क्या होगा, तो y का वैल्यू e डाल दो, तो आपको यहाँ से मिला x स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, बेसिकली 3e स्क्वायर, तो x का वैल्यू रूट 3e, ये रहा जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, देखो सब कुछ तो क्वेश्चन में ही आ गया, हम क्या करेंगे इसमें, fx गिवन है, gx गिवन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx बिटवीन द लाइन, ओके। तो पहले हमको थोड़ा ड्रॉ करके देखना पड़ेगा किस तरह के कर्व हैं,
है ना, और फिर हम बात कर पाएंगे आगे। यहाँ आ जाइए, सबसे पहले देखो मैं एफएक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, नीचे जाना पड़ेगा, नहीं उसमें तो नहीं जाना है, इसमें भी शायद ही जाना पड़े, तो देख लेता हूँ। जीरो से हाफ के बीच में वाई बराबर एक्स ड्रॉ करना है, तो ये वाई बराबर एक्स ड्रॉ कर दिया मैंने जीरो से हाफ के बीच में, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू हाफ, दिस इज हाफ हाफ, दिस लाइन इज वाई इक्वल टू एक्स, ओके। फिर हाफ पे हाफ ही आ रही है, वो वैसे भी हाफ ही आ रही है, और आगे है वन माइनस एक्स, वाई बराबर वन माइनस एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू वन कॉमा जीरो, यहाँ पे मान लो, अच्छा वन तक ही लेना है, दिस इज वन कॉमा जीरो, तो ये लाइन यूँ आ गई, दिस इज वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो ये कर्व है बच्चों एफ एक्स, ये क्या है, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर ही है, बस इसका वर्टेक्स कहाँ पहुँच गया, हाफ पे, तो ये हो गया यूँ, ओके। अब यहाँ देखिए एक्स बराबर हाफ, ये लाइन हो गई एक्स बराबर हाफ, और एक्स बराबर रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू, मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइन, ये जगह रूट थ्री बाई टू तो नहीं है, है ना, ट्राई करके देखें एक बार, वन माइनस एक्स है यहाँ पे, वाई का वैल्यू इसपे क्या था, वाई बराबर एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, क्या इसको रूट थ्री बाई टू सेटिस्फाई करता है, है जी, चेक कर लो, वन माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू, अच्छा नहीं भी चेक करूँगा तो भी मुझे ये पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए क्या करो, सॉल्व करो, ऐसे देखो रूट थ्री बाई टू वाली लाइन कहाँ होगी यार, सामान्य बुद्धि लगाते हैं बिना सॉल्व करे हुए, ऐसे सोचो, पर वो भी ये सब तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें डालो, देखो एक तो ये है ना, और एक ये है, इसमें रूट थ्री बाई टू डालो तो वाई बराबर आएगा वन माइनस रूट थ्री बाई टू, है ना, और इसमें रूट थ्री बाई टू डालोगे तो मिलेगा रूट थ्री माइनस वन बाई फोर इसका स्क्वायर, ये वाई का वैल्यू है, ओके। इसको थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, कितना हो गया, देखो थ्री प्लस वन फोर माइनस टू रूट थ्री बाई फोर हो गया ये, सो दिस कैन बी रिटर्न वन माइनस कमाल रूट थ्री बाई टू, सेम है भैया, यही पॉइंट है, ये पॉइंट ही है, दोनों से देखो y का वैल्यू सेम आ रहा है ना, तो मतलब यही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये है रूट थ्री बाई टू यहाँ पे x का वैल्यू, तो इनके बीच में इनसे बाउंडेड एरिया, मतलब यही सब कैलकुलेट करना आपको। आई डोंट थिंक अब इसमें कुछ खास बचा है बताने के लिए, है ना, कैसे करेंगे हम, आइए देखिए, इंटीग्रेट करेंगे हाफ से रूट थ्री बाई टू। देखो एक काम और अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊं, चलो चलने दो, यही ठीक है, रूट थ्री बाई टू, है ना, अभी फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट समझाना पड़ जाएगा मुझे। अपर कर्व ये लाइन यानी कि वन माइनस एक्स, माइनस लोअर कर्व यानी कि ये एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, बस इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है बच्चों, यही आपको आंसर दे देगा। चलिए पूरा करते हैं सवाल को, ओके। देखिए हाफ से रूट थ्री बाई टू, इसको ओपन करो आप, तो इसमें आपको देखो क्या मिलेगा, प्लस का वन बाई फोर आएगा, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके क्या बच गया, थ्री बाई फोर। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, एक आएगा माइनस एक्स, जो इस एक्स से सीधे सीधे कैंसिल आउट हो रहा है, वेरी गुड, और आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो थ्री बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बच गया ये, तो ये हो गया थ्री बाई फोर, इंटीग्रेट करोगे एक्स तो यहाँ बच गया रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, और माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, तो वन बाई थ्री, और एक्स क्यूब देखो इसका क्यूब करोगे तो आएगा थ्री रूट थ्री बाई एट, माइनस इसका क्यूब करोगे वन बाई एट। चलिए जी इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं ताकि आंसर भी मैच कर सके वहाँ पे हम सीधे। रूट थ्री वाली टर्म्स को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, देखो ये है थ्री रूट थ्री बाई एट, है ना, और ये देखो क्या, ये है थ्री रूट थ्री बाई ट्वेंटी फोर, तो ये कलेक्ट कर लेते हैं हम एक जगह, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, ये थ्री और ये थ्री तो कट जाएंगे, रूट थ्री बाई एट कॉमन ले लो, तो रूट थ्री बाई एट अगर मैं कॉमन लूँ इन टर्म में से, तो बच्चों यहाँ बचेगा थ्री, और यहाँ से अगर रूट थ्री बाई एट कॉमन ले लिया तो वन बचा, तो टू, यानी कि ये हो गया रूट थ्री बाई फोर, सारा मिला के हो गई ये दोनों पूरी। अब इनको देख लेते हैं,
ये है प्लस का 1/24 और ये है माइनस का 3/8 और प्लस का 1/24, तो माइनस के 9/24 तो ये हो गया माइनस 8/24 यानी माइनस 1/3, तो रूट 3/4 माइनस 1/3, ये रहा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं 41। ओप्स, आइए कैसे सॉल्व करें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, साफ साफ नजर आ रही है, ऐसे लिख दो dy/dx ओके माइनस 10x इंटू वाई इज इक्वल टू 6x sec x। देखिए if हो गया e की पावर में माइनस 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, करेक्ट, तो ये फाइनली बन जाएगा cos x, यानी कि y गुणा cos x सॉल्यूशन हुआ, c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x sec x गुणा cos x, कट कटा के बच गया बच्चों 6x dx, तो कुल मिला के आपको मिला c प्लस 3x square। ये आ गया, c का वैल्यू निकालने के लिए दिया पाई बाई 3 पे 0 आना चाहिए, देखिए पाई बाई 3 पुट करेंगे cos पाई बाई 3 पर y का वैल्यू 0 है तो खत्म ही हो गया, यहाँ पाई बाई 3 डालो तो पाई स्क्वायर बाई 9, तो c का वैल्यू आ गया पाई स्क्वायर बाई 3, वो भी माइनस के, यानी कि अब आप ऐसा लिख सकते हो y cos x बराबर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 3x square। नाउ पुट x इक्वल टू पाई बाई 6 हियर, यू गॉट y cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 कितना होता है रूट 3/2 इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 एंड प्लस इफ यू पुट पाई बाई 6 हियर यू गॉट पाई स्क्वायर बाई 36 और 3 है तो पाई स्क्वायर बाई 12। ओके आगे बात बढ़ाते हैं, खत्म करने पे आते हैं, देखो इसको थोड़ी सी जगह और चाहिए होगी, तो यहां देखिएगा ये कितना हो गया, इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 12 माइनस 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, प्लस के पाई स्क्वायर तो माइनस के 3 पाई स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया ये, तो y का वैल्यू हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, तो ये एल हो जाए, तो पाई स्क्वायर बाई 2 रूट 3, ये रहा आंसर, तो सेकेंड आंसर सही है 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस इज बाउंडेड बाय, देखो बड़ा आसान सा है, पहली चीज ऐसे देखो, अगर मैं इस कंप्लीट में इनमें और इसमें दोनों को मिला के अगर मैं x की जगह माइनस x डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह माइनस x डालोगे ये इसमें बदल जाएगी, ये इसमें बदल जाएगी, y की जगह माइनस y डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये दोनों मिला के जो कर्व बनेगा वो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, है ना, तो आप क्या करो किसी एक क्वाड्रेंट में देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लो क्या क्या बन जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन क्या बन जाती है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी कुछ, सही है, अगर आप मतलब इन चारों लाइन को ड्रॉ कर लो यार, ऐसे मॉड हटा के ड्रॉ करोगे ऐसे बन जाएगा, ये वो रीजन है जो तुम्हें कैलकुलेट करना है, चूंकि लाइन x प्लस वाई बराबर 2 है तो ये 0.2, 0 है, ये 0.2 है, इसका मतलब ये 2 है, ये 2 है, तो ये रूट 2 हो गई, तो एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड है, सॉरी गलत बोल गया, 2√2 है ये, तो जिसकी साइड 2√2 है स्क्वायर की, तो एरिया कितना हो गया 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर ऑफ एरिया। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज बाउंडेड बाय स्क्वायर ऑफ 16 नहीं स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2 यूनिट, ये सही है ना, स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड लेंथ कितनी है 2√2। ओके बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, देखो क्या है ये, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, देखो इसको ध्यान से देखिए, x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ y माइनस 3 है ना, तो मैं इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, लेट वी टेक कि x प्लस 1 को मैं थोड़ी देर के लिए x मान रहा हूँ, है ना, और y माइनस 3 को हम मान रहे हैं y, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, x
dy बराबर x स्क्वायर प्लस y इंटू dx। इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना आसान रहेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको इस पैटर्न में मान लिया। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। अब इसको देखो, इसमें केवल एक ही जगह y है, तो इसका मतलब ये y में लीनियर बन सकती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट। अब बना लेते हैं अपन इसका, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनी गई है सॉरी, तो इसका आई एफ निकाल लेते हैं। तो आई एफ क्या होगा इसका, e टू द पावर माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, फाइनली वन बाई एक्स आ जाएगा ये। तो इसका सोल्यूशन हो गया वाई गुणा एक बटा एक्स बराबर सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये टर्म एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ये आप देख ही सकते हैं कट गया, तो ये बन गया सी प्लस एक्स। यानी कुल मिला के बच्चों, वापस इधर आते हैं, वाई बराबर बना कितना, सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई किसको बोला था मैंने, वाई माइनस थ्री को, तो सी और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये फाइनली इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। अब मैं ये कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ कि वाई का वैल्यू जीरो डाल दो, जब एक्स का वैल्यू टू हो, तो आपको मिला थ्री सी प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, नौ दस ग्यारह बारह, तीन का भाग दोगे तो सी का वैल्यू आ गया माइनस चार। वापस यहाँ आ जाओ और अपने को करना क्या, वाई थ्री निकालना है। तो ये हो गया वाई माइनस थ्री बराबर माइनस फोर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब आप इसमें पुट कर दो एक्स की जगह तीन, तीन पे वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई माइनस थ्री बराबर तीन और एक चार, तो बेटा ये हो गया माइनस सोलह, ये हो गया प्लस सोलह, कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया ये, तो वाई का वैल्यू आ गया थ्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों थ्री। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। लेट अ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स इंटरसेक्ट द पैराबोला एट अ पॉइंट पी, ओके अदर देन द ओरिजिन लेट द टेंजेंट टू इट। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसा हो गया स्टैंडर्ड पैराबोला जो होता है। वाई इक्वल टू एम एक्स वाली जो लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ओरिजिन से पास होते हुए ऐसे जाएगी, ये पॉइंट पी है ऐसे मान लो, राइट। ये है वाई बराबर एम एक्स, ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स। लेट द टेंजेंट टू इट एट पी, यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाए ऐसे, तो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे काटती है। चलो मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू है, इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो फोर है, तो बताओ एम का वैल्यू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं। देखिए पॉइंट पी क्या होगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो y बराबर एम एक्स और y स्क्वायर बराबर x, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर एम एक्स अगर आप इसमें पुट करोगे ना, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर आया x, ठीक है भाई। इससे x का एक वैल्यू जीरो हुआ और x का एक वैल्यू हो गया वन बाई एम स्क्वायर। तो ये पॉइंट वो है जिसका x कोऑर्डिनेट वन बाई एम स्क्वायर है। तो अगर x कोऑर्डिनेट वन बाई एम स्क्वायर है, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट वन बाई एम स्क्वायर है, तो y का वैल्यू क्या हो गया वन बाई एम। इस पॉइंट पे टेंजेंट हमें इसकी लिखनी है, तो टेंजेंट के लिए हम सीधे सीधे t बराबर जीरो यूज़ कर लेते हैं, या स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हो, मैं कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है ना टेंजेंट, तो y y1, तो y गुणा y1 बराबर एक बटा दो और x प्लस x1, ये टेंजेंट हो गई। ये जो टेंजेंट है ये यहाँ आके कट करती है क्यू पे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये निकालने के लिए आप इसमें वाई का वैल्यू जीरो डालो, तो क्यू का कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको माइनस वन बाई एम स्क्वायर कॉमा जीरो। तो देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, वन बाई एम स्क्वायर। देखो ये लेंथ कितनी हो गई, वन बाई एम। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये तो बेस हो गया इसका, ये हाइट हो गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, चार। यहां से बच्चों तुम्हें एम क्यूब का वैल्यू मिला एक बटा आठ, तो एम का वैल्यू हो गया हाफ या 0.5। तो आपका आंसर है हाफ या 0.5। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट, इसका आंसर हाफ है, 0.5 पॉइंट में आंसर है, बिल्कुल। That's all। तो चलिए ये ख़त्म है, ये इसी के साथ सारे क्वेश्चन जो थे अपने वो यहाँ पे समाप्त होते हैं।
और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।